हमारा रिजल्ट आ गया है। मम्मा, मैं क्लास में सेकंड आई हूँ, आपको पता है? अरे वाह बेटा, तुम्हारे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। शाबाश, अगली बार और मेहनत करना और क्लास में फर्स्ट आना। मम्मा, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। और क्लास में ही नहीं मम्मा, मैं पूरे स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। शाबाश बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ये फर्स्ट आई है तो ज़्यादा ही बन रही है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। तुम दोनों की फर्स्ट और सेकंड आने की खुशी में आज मैं तुम्हारे लिए पकवान बनाऊंगी। चलो तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए समोसे बनाकर लेकर आती हूँ। आन्या, तुझे पता है मेरे सोशल साइंस में तेरे से ज़्यादा मार्क्स हैं। तेरे सिर्फ मैथ, साइंस और इंग्लिश में ही तो ज़्यादा है मेरे से। हाँ दीदी, मुझे पता है आपकी सोशल साइंस बहुत अच्छी है और अगली बार आप भी फर्स्ट आओगे। मम्मा ने कहा ना, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। ए, तुझे क्या लगता है कि मैं कामयाब नहीं हूँ? सेकेंड आई हूँ मैं भी। ज़्यादा प्राउड ही मत हो कि तू फर्स्ट आई है। अरे नहीं दीदी, मेरा मतलब वो नहीं है। फर्स्ट ही आ गई, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रही है। अरे सरिता, सुना है कि आन्या पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। जी ललिता बहन, वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है और रिया सेकेंड आई है। मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत मेहनती हैं, पर आन्या की तो बात ही कुछ और है। रिया को तुम ट्यूशन भेजती हो, पर आन्या तो बिना ट्यूशन जाए पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है। अब मेरे बच्चों को देख लो, मैंने होम ट्यूशन लगा रखा है पर मार्क्स सिर्फ पासिंग ही लेकर आते हैं। काश मेरी भी बेटी आन्या की तरह होती पढ़ाई में। जिसे देखो बस आन्या की तारीफ करता रहता है। मैं भी क्लास में फर्स्ट आई हूँ और ये आंटी आन्या की तारीफ करे जा रही है तब से। कहाँ हो बेटा? पापा आप आ गए। हाँ बेटा मैं आ गया। पापा आपको पता है मैं क्लास में सेकंड आई हूँ, मैम मेरी बहुत तारीफ कर रही थी। पापा आपको पता है मेरे सोशल साइंस में आन्या से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। वेरी गुड बेटा, तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया कि तुम सेकंड आई हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, ऐसे ही मेहनत करती रहो। पापा मैं सेकंड आई हूँ, आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेके आए? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, मैं आपके लिए और आन्या दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। एक बार आन्या को आने दो। पापा आप आ गए। बेटा तुम्हारी मम्मी ने कहा तुम फर्स्ट आई हो पूरे स्कूल में, वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा। पापा आप बातें करते रहोगे, हमारे गिफ्ट्स भी दिखाओगे? हाँ बेटा, गिफ्ट्स कैसे भूल सकता हूँ, अभी दिखाता हूँ। बेटा ये है तुम दोनों के गिफ्ट, ऑरेंज सैंडल तुम्हारे लिए रिया और ये पिंक सैंडल तुम्हारे लिए हैं आन्या। पापा सैंडल तो बहुत प्यारी हैं, ये वाली तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ पापा सैंडल बहुत अच्छी हैं और मुझे तो पिंक ही चाहिए थी। चलो तो बेटा ठीक है, मैं अपने कमरे में जाता हूँ अब। इसको अपनी सैंडल इतनी पसंद आ रही है कि ये तो सैंडल लेकर ही बैठी हुई है मैडम। वैसे इसकी पिंक सैंडल है तो प्यारी और इसे पिंक ही चाहिए थी, क्यों ना पिंक मुझे मिल जाए। आन्या तेरी पिंक सैंडल तुझे बहुत पसंद है क्या? हाँ दीदी, मुझे पिंक कलर ही चाहिए था, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। ओह आपको अपनी सैंडल कैसी लगी दीदी? आपको भी तो यही कलर चाहिए था ना, ऑरेंज, जो पापा आपके लिए लेकर आए हैं। अरे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए था, एक्चुअली मुझे भी पिंक ही चाहिए था, बट मैं पापा को उदास नहीं कर सकती ना, इसीलिए मैंने उनके सामने बोल दिया कि मुझे ये पसंद है। ओह तो दीदी आप मेरी सैंडल ले लीजिए, कोई बात नहीं मैं आपकी ऑरेंज वाली ले लूँगी। पक्का तू मुझे दे देगी ना अपनी सैंडल? हाँ दीदी ले लीजिए आप। अच्छा दे दे। बेवकूफ़ है ये आन्या, इसको इतना भी समझ नहीं आया कि मैंने जानबूझ के इसकी फेवरेट सैंडल इससे ले ली।